नहीं मिलेगा। मैं यही कह रहा था कि भाई सभी कबूतर कहाँ गए, भाई हमारे लॉफ्ट के सभी कबूतर कहाँ गए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी भाई खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे कि अभी आपने टाइटल और थंबनेल देखा कि भाई कबूतर कहाँ गए, तो गाइस आपको पहले पहली बात तो ये बता दूँ कि भाई 31 दिन हो चुके हैं रमज़ान को, तो काफ़ी टाइम से सही से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। तो कल ईद थी, तो सबसे पहले तो भाई आप सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद। और गाइस, आज की इस वीडियो में अपन अपने कबूतर खोलेंगे और मैं सभी कबूतरों को पहले तो दाना डालूंगा और उसके बाद अपन सभी कबूतरों की पेटियां जो थी वो सब कुछ हटा देंगे। और मतलब जो कुछ करूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में बता ही दूंगा। और आपने टाइटल हमने ले ही लिया भाई, वो तो सब कुछ सही है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू कर दें। जो भाई मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, फिर आपको आज की इस वीडियो में ही पता चलेगा कि भाई कबूतर कहाँ गए और जो वीडियो में ही मैं आपको बताऊँगा कि उसका रीज़न क्या था। भाई सबसे पहले तो अपन कबूतरों को खोल लेते हैं क्योंकि अभी तो वो लॉफ्ट के अंदर ही हैं। आ आ आ आ आ आ आ आ आ काफ़ी देर हो चुकी है गाइस, इतने बजे क्या खोल लेते हैं तो ये भूखे भी होंगे। तो सबसे पहले अपन ने पानी भी डाल दिया है और बोरा भी बिछा दिया है, तो सबसे पहले तो अपन इनको दाना पानी कर देते हैं, इससे क्या है थोड़ी देर बिजी हो जाएंगे। उसके बाद मैं सभी पेटियों को भी हटा दूंगा और उसके बाद मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। और गाइस आपको एक और न्यूज़ देता हूँ, जब तक कल रात का एक कांड हो चुका है, जब तक भाई डाल रहा है कबूतरों को दाना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आओ 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 गाइस, देखो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अपना ब्लू बार को आप जानते ही हो कि भाई वो ब्लू बार है और वहाँ उसकी मादी रहती है, ठीक है। उसका एक पट्टा नीचे आ ही गया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और ये उसका बड़ा पट्टा है। गाइस हुआ क्या कि वो उसको दौड़ा रहा था नर, उसकी मादा को कब से अंडे रखने को। तो ये जो मुखी पट्टा दिख रहा है आपको, ये मुखी पट्टा, इसके जो पीछे एक सफ़ेद पर पड़ा हुआ गाइस आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो ब्लू बार मादा ने अंडा दे दिया और मैं हो गया सरप्राइज। क्योंकि पहले तो मुझे लगा भाई ये किसका अंडा हो सकता है, लेकिन बाद में मैंने देखा भाई ब्लू बार ही दब के बैठी हुई है, तो बाद में मेरे समझ में आई कि भाई ब्लू बार ने फिर से अंडा दे दिया। मैंने कहा इसके ऊपर अलग से वीडियो तो बना नहीं रहा है भाई, कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने कोने में अंडा दे दिया था। मैंने रात में वो अंडा उठाया और ब्लू बार का जो कटोरा रखा रहता है उसके नीचे रख दिया। तो ये सभी कबूतर बाहर आए तो मैं आपको बताऊं कि भाई उसने अंडा दिया है और मैंने उसके नीचे रखा है, और देखते हैं भाई दूसरा अंडा दिया नहीं दिया। चलो बाहर चलो चलो, देखिए गाइस सबसे पहले तो अपन दाना डाल देते हैं। अया आ आ आ आ आ तो गाइस देख सकते हो सभी कबूतर एक ही बार में आ चुके हैं नीचे, सभी टूट पड़े हैं दाने पे क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा भूखे थे। तो अच्छा ही है, इनके बाहर आने की वजह से अपन अंदर जा पाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ एक कहानी। उससे पहले देखो गाइस, मैंने कहा था फेंटेल कबूतर ने एक अंडा दिया है, तो भाई वो एक ही अंडा दिया है इस बार उनने, तो एक ही अंडा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, एक अंडा भी सही है, बस पालना अच्छे से चाहिए भाई। अपन नहीं करते कि यार दो अंडे दे अपन एक हटाने, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, एक है तो एक ही रहने दो, बस वो सही से पाल लें। और गाइस देखो सबसे पहले तो बाकी बच्चे बच्चे भी हैं, देखो ये देख लिया गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ब्लू बार कबूतरी ने यहाँ अंडा दिया, तो मैंने उठा के उसको वापस रख दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, निकाल देते हैं इसकी पेटियाँ, जितने पूरी लॉफ्ट की पेटियाँ ही निकाल दो, मैं तो कह रहा हूँ लो। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, भाई इस साइड की पूरी पेटियां हटा दी हैं, अब मैं इस साइड की भी पूरी पेटियां हटाऊंगा और इन दो पेटियों को भी अभी हटा दूंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो भाई अब आप लोग देख सकते हो सभी कबूतर बढ़िया दाना खा रहे हैं, और जितनी भी पेटियां थी मैंने इनको जमा दिया है धूप में, और एक दो पेटी और बची हैं देख सकते हो दो, उनको भी मैं जमा दूंगा पूरा धूप में, क्या बच्चों को भी थोड़ी धूप मिल जाएगी और पेटियों पे जो छोटे छोटे कीड़े इल्लियाँ हो रही हैं तो वो भी थोड़े बहुत भाग जाएंगे। तो चलिए वो बची हुई पेटियाँ भी हटा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हो कि भाई ये जो हमारा लॉफ्ट था 5 फीट लंबा या 6 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा या 5 फीट लंबा, शायद 4 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा, तो ये लॉफ्ट को कर दिया है मैंने पूरा खाली,
इसमें अब आपको एक भी कबूतर देखने को नहीं मिलेगा। मैं यही कह रहा था कि भाई सभी कबूतर कहाँ गए, भाई हमारे लॉफ्ट के सभी कबूतर कहाँ गए। भाई कबूतर तो यही है जो बाहर दाना खा रहा है, लेकिन गाइस देख सकते हो रीजन उसका, जितनी भाई कितना गंदा कर दिया, इतनी मोटी परत है पूरे में, मतलब बीटी बीट है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही है। तो भाई हम हो चुके थे भाई परेशान। मैंने कहा भाई रमज़ान में तो करने की बस की नहीं थी अपनी, हिम्मत नहीं थी बोलेंगे, लेकिन मैंने कहा भाई करना ही है, ये हटा देना नहीं तो मेरे पेट से टूट गया। भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ईंटों को हटा देते हैं। ये देखो गाइस मतलब पूरा गंदा हो चुका है पूरा का पूरा, ईंटों को बाहर ही रख दो थोड़ी देर को। तो अपन सबसे पहले ईंटें हटा देते हैं, उसके बाद अपन पूरे में झाड़ू मारेंगे और जितनी भी बीट है गाइस सब कुछ निकाल लेंगे अपन। इसको मैं कर देता हूँ बाहर, जाओ बेटा। तो चलिए गाइस अब आपको मैं थोड़ी सी मतलब टाइम लैप्स से वीडियो बनाऊंगा, और जैसे ही पूरा साफ हो जाएगा फिर मैं आपको पूरा लॉफ्ट बताऊंगा कि भाई अब कैसा चमक रहा है। आप लोग देख सकते हो कि भाई एक बाल्टी कचरा भर के निकला है और अभी भी काफी कचरा बचा हुआ है भाई। कम अभी मैं इसको फेंक के आ रहा हूँ, फिर अपन सफाई को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे पूरा दड़बा साफ कर दिया है, और ये लग रहा है ना बेहतरीन। अब ये फिनाइल और ये डीजल का ये जो भी था इसको मार दिया है कि कीड़े वीड़े हो तो मर जाए। गाइस आप हो गया साफ, अब बिल्कुल बदबू भी नहीं आएगी। देखिए भाई आप लोग पूरा साफ हो चुका है, अब जरा सी भी आपको बीट नहीं दिख रही होगी। तो चलिए गाइस जैसे कि अपन ने लॉफ्ट साफ किया वैसे ही अपन पूरी पेटियां भी साफ कर देते हैं। देख सकते हो पेटियां भी काफी गंदी हैं, तो पेटियां और साफ कर दूं फिर मैं इनको वापस जमा दूंगा। कैसी देख सकते हो गाइस अभी भी भाई सफाई कर रहा है, और दूसरी बाल्टी भी लगभग भरने ही वाली है। गाइस देख सकते हो कुछ कबूतर बाहर हैं और कुछ अंदर जा चुके हैं, मतलब जिन जिन की मैंने पेटी जमा दी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलो तुम लोग हटो बेटा, हटो हटो हटो। तो गाइस आप लोग देखोगे भाई, अरे तुम मत जाओ, ग्रे बार, ब्लू बार, ब्लैक, पीले, ये सफ़ेद लखा इनकी जमा दी है। लेकिन आप भाई ये देखो ज़रा लॉफ्ट कितना बेहतरीन लग रहा है, माशाल्लाह लग रहा है ना, पूरा साफ कर दिया और चमचमा रहा है। तो अगर अपन क्या करेंगे, इनको पहले बाहर निकाल लूँ, ये दिक्कत दे रहा है अभी, इनकी पेटी बस साफ हो ही रही है। अरे तुम बाहर आओ बेटा, चलो। और गाइस देख सकते हो आप मेरा हाल कुछ ऐसा है कि भाई मैं पूरा पसीने में हो रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी भाई कबूतर ऐसे पालते हो तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन काफ़ी भाई कमेंट भी कर रहे थे साफ़ सफाई करो साफ़ सफाई करो, मुझे भी करना थी भाई, बस रमज़ानों की वजह से रुका था। अब एक डेढ़ घंटे से लगे हैं तो आधा और बचा है, आधा और साफ़ कर लूँ फिर मैं आपको पूरा बताऊँगा पूरा लॉफ्ट सेट करके। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जितनी भी पेटियाँ थी सभी हटाई हमने, मतलब उठाई साफ़ कर दी सब की सब, और उठा कर रख दी गाइस इसके अंदर। अब आपको मैं एक एक करके पेटी बताऊंगा, और आप भाई देखो देखो सबसे पहले लखा यार अंडों पे बैठी थी, तो अपन ने इसकी ज़्यादा गंदी भी नहीं थी तो ज़्यादा साफ नहीं की, ठीक है। और पीलों की देखो पूरी चमका दी, इनकी भी चमका दी, इनकी भी चमका दी, इनकी भी चमका दी। तो आप देखो भाई सबके जो कटोरे थे वो भी साफ़ कर दिए, सभी बच्चों को बाहर धूप में भी बिठा लिया, और भाई सभी कुछ बढ़िया है देख सकते हो आप लोग। तो भाई अब आप थोड़ा पीछे से देखो, अब आप कमेंट्स करके बताना भाई, अब भाई आप लोगों को हमारा ये लॉफ्ट कैसा लग रहा है, और उसका रीज़न भी ये भी मैं थोड़ी देर से बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं भाई मेरी हालत में और भी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है हालत। अभी मैं थोड़ी देर से नहाऊंगा, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। और गाइस अब लॉफ्ट साफ कर दिया है तो भाई आज अपन चलेंगे कबूतर ख़रीदने। एक वीडियो और आएगी जिसमें अपन कबूतर मतलब सेल करेंगे,
और एक वीडियो और आएगी जिसमें अपन कबूतर प्रकाश भैया चलेंगे और देखेंगे कि भाई कबूतर कैसे हैं क्या हैं, अगर अच्छे हुए तो भाई अपन ले ही लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपन ने कबूतर नहीं लिए। बाकी देखो भाई सभी कबूतर बढ़िया पानी भी पी रहे हैं। तो यही बताना था कि भाई पूरी लॉफ्ट की सफाई कर दी मैंने, आप लोगों के साथ भी पूरा मतलब सबको शेयर किया कि कैसे किया। तो आज की इस वीडियो में भाई बस इतना ही, इतनी मेहनत की है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।